और अब आपको सीधा सुनवाते हैं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुने। उसके लिए जल्दी ही हम कैबिनेट के भीतर अपना नोट लाने वाले हैं और इस पर भी आजकल में एपीसी साहब से मेरी चर्चा हो करके और उस संदर्भ में, और जैसा मैंने आपसे कहा था कि 2 करोड़ हम नर्सरी उगा करके किसानों को उपलब्ध कराएंगे, साथ साथ में उनको सब्जियों के मिनी किट भी देंगे। इन सब की व्यवस्था हम लोग आने वाले दिन में करने वाले हैं। ये वर्तमान अवर्षण की स्थिति को देखते हुए सरकार ने जो कदम उठा रही है उसके बारे में आपके सामने एक मैंने बात रखी है। प्राकृतिक खेती के ऊपर, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार उसके ऊपर बल दिया गया है। अभी 9 सितंबर शनिवार को हम लोग कानपुर शहर के एक गांव में, शहर से वो 20-25 किलोमीटर दूर है, उसका डिटेल आपको अभी बता दिया जाता है, उसमें 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिसके भीतर 4 मंडलों के प्राकृतिक खेती करने वाले, नमामि गंगे के भीतर गंगा माँ के किनारे के जो 5 किलोमीटर के परिधि के गांव हैं उनके किसानों का, और जैविक परंपरागत जैविक खेती जो चल रही थी परंपरागत कृषि योजना के अंतर्गत जैविक खेती, ऐसे सारे किसानों का एक वहां पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है जिसमें हमारे मुख्य सचिव भी उस कार्यशाला के भीतर रहेंगे, हमारे एसीएसआर भी रहेंगे, वहां पर ड्रोन का भी डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाएगा जिससे कम लागत में ड्रोन तकनीकी का इस्तेमाल करके हम कैसे लागत को कम कर सकें और पैदावार को बढ़ा सकें, इस दृष्टि से वहां पर इसका डेमो किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त इस सितंबर महीने में अपेक्षित है, सितंबर के अंत तक भारत सरकार उसके बारे में घोषित करेगी। इस बार उन्होंने यह अनिवार्य किया है कि भूलेखों के साथ उनका सत्यापन करके पोर्टल पर उसको अपलोड होना चाहिए। पिछले 3 महीने में उत्तर प्रदेश कृषि विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर के हम लोगों ने उसको कैटेगराइज करने का काम किया है और उन्हें चिन्हित किया है